नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 2 5G वर्सेस Samsung Galaxy A72 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Neo 2 5G में 6.41 इंच जबकि Samsung Galaxy A72 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT Neo 2 5G में 2.98 इंच जबकि Samsung Galaxy A72 में 3.05 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT Neo 2 5G में 0.34 इंच जबकि Samsung Galaxy A72 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Neo 2 5G में 200 ग्राम्स जबकि Samsung Galaxy A72 में 203 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT Neo 2 5G में AMOLED जबकि Samsung Galaxy A72 में FHD जोर समल की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Neo 2 5G में 6.62 इंचेस जबकि Samsung Galaxy A72 में 6.7 इंच मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Neo 2 5G में 85.69% जबकि Samsung Galaxy A72 में 84.86% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Neo 2 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A72 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Neo 2 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy A72 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT Neo 2 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Samsung Galaxy A72 की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT Neo 2 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Samsung Galaxy A72 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Neo 2 5G में Adreno 650 जबकि Samsung Galaxy A72 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Neo 2 5G में Qualcomm Snapdragon 870 और Samsung Galaxy A72 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो GT Neo 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Samsung Galaxy A72 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो GT Neo 2 5G में नहीं है जबकि Samsung Galaxy A72 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो GT Neo 2 5G में 3 कलर्स जबकि Samsung Galaxy S72 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT Neo 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Samsung Galaxy S72 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Samsung Galaxy S72 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में GT Neo 2 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 है, जो कि 46,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 है, जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 Pro है, जो कि 19,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है, जो कि 47,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।